कस्टमर को परफेक्ट सर्विस देने की कोशिश हम सभी करते हैं, पर उनके कंफर्ट की जिम्मेदारी लेते हैं यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, जहां आपको मिले किफायती रेट में सैलो, ब्यूटी पार्लर एवं क्लिनिकल फर्नीचर के साथ संपूर्ण इक्विपमेंट्स और मशीन्स तथा जिम इक्विपमेंट्स की भव्य रेंज। यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, गांधी ग्रीन मार्केट, टेलीफोन एक्सचेंज, सीए रोड, नागपुर। हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर रिचाज यूनिक स्किन एंड हेयर केयर सॉल्यूशंस। हमेशा हम रिचा मैम से जब भी बात करते हैं तो कुछ ना कुछ ब्यूटी सीक्रेट्स, स्पेशली ट्रीटमेंट की बात करते हैं जो हमारी खूबसूरती को और बढ़ाए। और अब तो नवरात्र शुरू है, तो ये एक ऐसा मौका होता है जहाँ बिल्कुल बचपन से लेकर हर उम्र की लेडीज़ या गर्ल्स की अगर हम बात करें तो वो सुंदर दिखना चाहती है, और न सिर्फ सुंदर दिखना चाहती है बल्कि अपनी खूबसूरती को हमेशा के लिए कायम करना चाहती है। जब बात नवरात्रि की है तो माँ दुर्गा की पूजा हर घर में हो रही है, और हर घर में एक माँ होती है, एक महिला होती है, या ऐसा कहें कि हर महिला का जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है माँ बनना। इस सुख के साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो उनकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस लाती है कि वो इस सुख के साथ साथ थोड़ा सा नर्वसनेस भी लाती है, या एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है एक महिला के लिए। यानी कि जो बॉडी चेंजेस आते हैं महिलाओं के लाइफ में आफ्टर डिलीवरी, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे रिचा मैम से और जानेंगे कि इन चेंजेस के लिए क्या ट्रीटमेंट्स हैं उनके पास। मैम, वेलकम टू द शो और नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। बात हम कर रहे हैं नवरात्रि की, यानी कि मातृत्व की। जब एक लेडी माँ बनती है तो जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ बॉडी चेंजेस आते हैं जिससे वो थोड़ा परेशान भी हो जाती है, जैसे कि ब्रेस्ट सॉगिंग। स्पेशली जब फीडिंग करती है माँ तो उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू होती है, तो क्या इसके लिए कोई ट्रीटमेंट होता है? सबसे पहले सभी व्यूवर्स को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है कि हम जब माँ बनते हैं, माँ बाकी जीवन का वो पल होता है कि हर व्यक्ति जीवन भर इंतजार करता है कि वो पल कब आएगा जब मैं भी किसी की माँ बनूँगी। और जब बच्चों को फीडिंग की जाती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे ब्रेस्ट का साइज़ काफ़ी सैग हो जाता है, स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है। वो रीज़न होता है कि कंटिन्यूस हम फीडिंग कराते हैं, मिल्क फिल होता है, डाउन होता है, फिल होता है, डाउन होता है, इससे हमारी स्किन की इलास्टिसिटी ब्रेक हो जाती है। जब स्किन की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाती है तब ये देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फिगर चेंजेस दिखाई देते हैं। उसको रिजिग्नेशन करना बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मैं अपनी क्लिनिक में लास्ट 24 ईयर से दे रही हूँ, और काफ़ी सारे पेशेंट को ये ट्रीटमेंट हम स्किन सैगिंग का, स्किन टाइटनेस का, ब्रेस्ट फॉर्मिंग का अपनी क्लिनिक में दे चुके हैं। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो ट्रीटमेंट हम देंगे वो ट्रीटमेंट से आपकी स्किन जो सैग हुई है, दैट इज़ अ कम्प्लीटली नॉन इनवेसिव टेक्नोलॉजी एंड इनवेसिव टेक्नोलॉजी। यदि नॉन इनवेसिव की हम बात करते हैं तो हमारे पास जर्मन टेक्नोलॉजी की मशीन होती है जो डायरेक्टली आपके फिगर के ऊपर कप्स लगाए जाएंगे। 40 मिनट तक आपको वो मशीन दी जाती है और फिर देन कुछ मसाज प्रोसेस करके मार्क्स लगा दिया जाता है। तब ये देखते हैं कि वह जो टाइटनिंग है वो 10-12 सेशंस यदि पेशेंट हमारे पास एवरी अल्टरनेट डेज ले लेते हैं तो जो इनका स्किन बहुत ज़्यादा सैग हुआ है, इट विल बी कन्वर्ट द मोर टाइटनिंग एंड स्किन चेंजेस फील कर लेते हैं। इसके साथ साथ जब हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा सैगिंग होता है तो देयर इज़ ऑल्सो सम डेफिशिएंसी ऑफ द मल्टीविटामिन्स, सम डेफिशिएंसीज ऑफ द प्रोटीन, तो वी आर ऑल्सो एडवाइज कि नहीं, उसके साथ में कुछ ना कुछ हमको न्यूट्रिशंस वैल्यू भी बॉडी के फुलफिल करना है, तो देन पेशेंट एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स ले लेते हैं। मैम, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है, क्योंकि कई महिलाएं होती हैं जिनको तो रीज़न भी नहीं पता होता कि ये चेंजेस हो क्यों रहे हैं। अब आपने ट्रीटमेंट भी बताए हैं और साथ ही जो रीजंस हैं वो भी, लेकिन उसके पहले की स्टेज की अगर बात करें, माँ बनने के पहले, या कहिए कि एक मिडिल एज जो लड़कियाँ होती हैं, यंगस्टर्स जो होती हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि उनकी बॉडी डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। तो कहने की बात कि जैसे अभी हमने बात की ब्रेस्ट सॉगिंग की, तो उनके इसमें देखा जाए तो बॉडी अंडर डेवलप्ड कह सकते हैं या ब्रेस्ट अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं, तो इसके क्या रीजंस है और क्या इसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट हो सकता है? देखिए, यदि हम बात करते हैं यंग यूथ की,
तो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चों की बॉडी में न्यूट्रिशन लेवल बहुत वीक होते हैं और ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट होता है वो दैट इज़ 100% डिपेंडिंग ऑन योर हॉर्मोन्स डेवलपमेंट। फिर आपका इन और मोरल, आपका मल्टीविटामिन्स क्या है, आपकी मेमोरी ग्लैंड कितनी एक्टिव हुई है, उसके ऊपर सारे डेवलपमेंट्स हमारे बॉडी के होते हैं। और यंग बच्चे यदि एक प्रॉपर न्यूट्रिशन पे नहीं होते तो उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, लैक ऑफ विटामिन्स होने की वजह से, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होने की वजह से उनका फिगर डेवलपमेंट वहीं स्टॉप हो जाता है। इन दैट कंडीशंस हमारे पास अगेन हम लोग इसके लिए ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। देयर इज़ अ टू थिंग्स कि सम इंजेक्टिव्स भी होते हैं, यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है या उनका साइज ही नहीं डेवलप हुआ है तो उसमें कुछ ऑपरेशन प्रोसेस होती है जिसमें आर्टिफिशियल ब्रेस्ट इम्प्लांट भी किया जाता है। यदि हमारा पेशेंट इम्प्लांट को इफेक्टिवली नहीं अडॉप्ट करना चाह रहा है तो फिर देन वी आर गिविंग द जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन, जिसमें 10-12 सेशंस ट्वाइस वंस इन ए वीक में 2 सेशंस यहाँ पे लेने होते हैं। इस तरह से ये हम मान के चलते हैं कि यदि 10-12 वीक्स में पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो एक 2 सेंटीमीटर से लेकर 7 सेंटीमीटर तक ब्रेस्ट एनलार्जमेंट करना बिल्कुल पॉसिबल है और इसमें किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। कोई केवल न्यूट्रिशन मेडिसिन दी जाती है, देर इज़ ए नो हार्मोनिकल मेडिसिन वी आर एबल टू गिविंग। तो एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हमने अभी तक देखे हैं। एक नॉन इनवेसिव भी हम पेशेंट को काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो एज हम मानते हैं कि 14-16 मैक्सिमम 18 तक लोगों का फिगर डेवलप हो जाता है और यदि इसके बाद भी उनको ऐसा लगता है कि उनको फिगर का जो साइज़ चाहिए वो साइज़ तक वह नहीं पहुंच पा रहे और उनके ब्रेस्ट एनलार्जमेंट नहीं हो रहे तो देन डेफिनेटली वी कैन एबल टू वेरी प्रॉपर ट्रीटमेंट विद द न्यूट्रिशंस एंड प्रोटीन्स। ये एक यूथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सी बात आपने बताई है, लेकिन जैसे हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं वैसा ही है कि अभी हमने बात की अंडर डेवलप्ड फिगर की, लेकिन कुछ लड़कियों में ऐसा होता है कि ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस कहिए या जो रीजंस है, कुछ रीजंस की वजह से उनके ब्रेस्ट काफ़ी हेवी होते हैं, तो क्या उनके लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है? देखिए, कभी भी ब्रेस्ट ट्रीटमेंट में जब हम बात करते हैं तो देयर इज़ अ 3 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन होता है देयर इज़ अ ब्रेस्ट एनलार्जमेंट थेरेपी, सेकेंड ऑप्शन जो हमने अभी बात किया था ब्रेस्ट फॉर्मिंग ट्रीटमेंट, और थर्ड ऑप्शन होता है ब्रेस्ट रिडक्शन ट्रीटमेंट। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीज होते हैं, जिनके बॉडी फैट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनके बॉडी का BMI कम्प्लीटली डिस्टर्ब होता है, कार्बोहाइड्रेट उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होते हैं, या हार्मोनिकल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे पेशेंट को PCOD है, PCOS है, थायराइड ग्लैंड उनकी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, थायराइड प्रोफाइल उनका बढ़ा हुआ है, या उनकी वर्किंग हैबिट्स बिल्कुल नहीं है, मींस फिजिकल हैबिट बिल्कुल नहीं है, दे आर द सिट एंड डू द वर्क। आजकल जो पेशेंट की रॉन्ग हैबिट्स हो गई है, बच्चों की रॉन्ग हैबिट्स हो गई हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा फिगर उनका रिवर्स डेवलपमेंट में चला जाता है। जब ये सिचुएशन जाती है और पेशेंट का फिगर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, इस कंडीशन में भी एक ट्रीटमेंट होता है। जिस तरह से हम एब्डोमन रिडक्शन करते हैं वैसा ही बॉडी कंट्यूरिंग थेरेपी होती है जिससे हम ब्रेस रिडक्शन कर सकते हैं। उसमें भी आपको 10-12 सेशंस लेना है एंड इट इज़ गिविंग इन अल्टरनेट डेज ट्रीटमेंट। यदि वो सेशंस हम देते हैं तो दैट इज़ अगेन नॉन इनवेसिव प्रोसेस कि ऊपर से ही आपको मशीन्स लगेंगी, दैट इज़ कम्प्लीटली जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन, सेलुलाइट मशीन, ब्रेस रिडक्शन मशीन्स। जब वो हम बॉडी पे देंगे तो वहाँ का फिगर पहले हम लूज करके कंट्रोल कर देंगे, तो जब जो वो ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो ब्रेस्ट विल बी द मोर रिड्यूस इन द साइज एंड गेटिंग द मोर फॉर्मिंग। तो मतलब स्किन को टाइट भी करेंगे एंड रिडक्शन भी देंगे। उसमें आपको कोई न्यूट्रिशन लेने की नीड नहीं होती है, देर इज़ अ नो नीड फॉर टेकिंग एनी प्रोटीन डाइट। तो आप ये मान के चलते हैं कि हम एक 1 मंथ के अंदर एक अप्रोक्स 3-5 सेंटीमीटर रिडक्शन विद इन अ 10 सेटिंग्स डेफिनेटली वी कैन एबल टू गेटिंग द रिजल्ट्स। मैम, ये इतनी इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स जो हैं उसके लिए कुछ एज ग्रुप पर्टिकुलर होता है कि किस एज ग्रुप में ये ट्रीटमेंट्स ली जा सकती है और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? देखिए, ब्रेस्ट में एनलार्जमेंट की यदि बात करूँ तो इफ द बिटवीन 18-40-45 तक हम पेशेंट को ईजिली दे सकते हैं। ब्रेस्ट फॉर्मिंग की यदि हम बात करते हैं तो देयर इज़ अ 2 पेशेंट्स। 1 पेशेंट जो हम मानते हैं कि फीडिंग के बाद ब्रेस्ट सैग होता है, और एक एज होती है कि 50+ में भी पेशेंट के फिगर काफ़ी सैग होने लगते हैं, जो स्किन इलास्टिसिटी वीक होती है। तो फॉर्मिंग की यदि हम बात करते हैं तो दोनों एज ग्रुप को गैदर किया जा सकता है। और यदि हम रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन में तो ऑलवेज हमने फील किया है कि ओबीस पेशेंट ही हमारे पास मैक्सिमम होते हैं, तो उसका कोई एज लिमिटेशन नहीं है। 18 एंड अबव हम
किसी भी एज में वो रिडक्शन को कंट्रोल करने का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। और बात साइड इफ़ेक्ट्स की अगर करें तो कुछ देखिए, इसमें हम कोई भी इनेसिव नहीं दे रहे हैं, केवल एक ही ट्रीटमेंट होता है हमारे पास जो नेजिब में जाता है, पर जिनको फर्विंग की बहुत नीड है तभी वो हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अदरवाइज़ हमारे 90% जो ट्रीटमेंट होते हैं दैट इज़ विद द हेल्प ओनली मशीन। तो जब मशीन वर्किंग करती है तो उसको माइक्रो करेंट बोलते हैं, तो माइक्रो करेंट उस लेवल पे ही पेनिट्रेट होता है जहाँ तक हमारे स्किन के सेल्स वर्क करते हैं, या हमारी एक लेयर बॉडी होती है जो एडिपोज वाला लेयर होता है, मतलब डेप्थ वाला लेयर, वहाँ पे कभी भी हम लोग कोई मशीन का साइंस नहीं जाता। तो आप ये मान के चलिए कि ये ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट को कोई पेन नहीं होता, कोई रेड मार्क्स नहीं होता है, कोई डाउन टाइम नहीं होता है और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। मतलब ये एक नवरात्रि का हम कह सकते हैं माँ दुर्गा का आशीर्वाद ही है कि महिलाओं के लिए इतनी अच्छी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है ऋचा मैम के पास। मैम एक और सवाल आता है कि कई लेडीज़ को हमने देखा है, और स्पेशली अभी हम नवरात्रि की बात करें तो हम थोड़ा सा गरबा के मूड में होते हैं, अलग अलग नेकलाइंस वाली ड्रेसेस होती हैं, तो बैक एक्ने काफ़ी होती है लेडीज़ केस में कई बार, तो क्या रीजंस की वजह से होती है और क्या इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है? देखिए, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि यंग यूथ एक बहुत बड़ी मिस्टेक करता है कि उनका डाइट जो होता है उस डाइट में न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती है और जंक फूड बहुत ज़्यादा होता है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स चेंज होने का, और जब भी हमारे बॉडी में PCOS या थायराइड ग्लैंड एक्टिव होती है, इन डेड कंडीशन में ये देखा जाता है कि हमारी बॉडी का जो एक्ने है वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि यदि हॉर्मोन्स हमारे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो ऑटोमेटिकली बैक एक्ने आना, नेक में बहुत ज़्यादा मिलाज्मा डिपॉजिट होना, बैक में पिगमेंटेशन होना, ये लेडीज़ को बहुत कॉमन होता है। पर जब वही लेडीज़ यदि अपन मानते हैं कि जैसे आज ये मैं साड़ी बेयर कर रही हूँ तो ब्लाउज पहनना कंपलसरी है, तो जब हम देखते हैं तो हाफ नेक हमारी पूरी ओपन होती है, और उस टाइम में यदि ये प्रॉब्लम हो तो उसका काफ़ी हमको शेमफुल लगता है या काफ़ी हम उसको सफ़र करते हैं। तो इसको भी यदि हमको कम करना है तो इसके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ होम केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं कि इसको भी हम लगभग एक 5 to 6 सेशंस यदि पेशेंट लेता है तो डेफिनेटली वी कैन एबल टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम। मैम आपने अभी बताया है कि बैक एक्ने के लिए, और साथ ही मेंशन किया नेक पिगमेंटेशन, तो नेक पिगमेंटेशन की अगर आप शॉर्ट में ट्रीटमेंट के बारे में बता सकते। देखिए, नेक पिगमेंटेशन तो हम दोनों टाइप के पेशेंट्स में देखते हैं। यदि पेशेंट मेल है, बहुत एक्सेस उनके स्किन में ऑयल है, तो हम ये देखते हैं कि पूरे एक्नेथिस नोसिस बोलते हैं कि ये पूरी स्किन हमारी बहुत ज़्यादा डार्क होने लगती है, और ये प्रॉब्लम हम फीमेल्स में भी फैट ग्लैंड्स के एक्टिव की वजह से देखते हैं, या उनका बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल यदि उनका सीक्रेशन है तब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने में आती है, और इसको कंट्रोल करना भी बहुत हार्ड होता है कि केवल हम क्रीम या कॉस्मेटिक से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनली कुछ ट्रीटमेंट्स हमारे डिज़ाइन किए हैं, जब हम वो देते हैं तो ये पूरी डेप्थ की लेयर वाइट लेयर होकर वहाँ से निकलना स्टार्ट होती है। इसी तरह से पिगमेंटेशन फ्रीकल लेज़र हमको देना होता है, तब भी हम इसकी डेप्थ में जाते हैं और ये लेयर को निकालते हैं, पर दोनों ही ट्रीटमेंट में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। पर रिजल्ट्स जो हैं हम ये मान के चलते हैं कि 85 to 90% तक हम अपने ओरिजिनल स्किन कलर को मैच कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। साइड इफ़ेक्ट्स जिसका डर सबसे ज़्यादा हमें सताता है वो साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, तो इतनी अच्छी ट्रीटमेंट्स के बारे में आपने बताया इस नवरात्रि। तो जाते जाते हमेशा की तरह नवरात्रि का प्रसाद, यानी कि कुछ खास ऑफर्स अगर आप हमारे व्यूवर्स के लिए लेकर आए हैं इस नवरात्रि। नवरात्रि का नव ऑफर हम सब कल से आपके बीच में लेके आने वाले हैं। नवरात्रि का नव ऑफर का मतलब ये रहेगा कि हर दिन हमारी क्लिनिक में जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं स्किन हेयर एंड वेट लॉस, आपको एवरी डे यू आर गेटिंग द न्यू ऑफ़र। तो आपको ऑफ़र ज़रूर हम विद द हेल्प ऑफ UCN एंड विद द हेल्प ऑफ द थिंग्स कि आपको एक 10% से लेके 40% तक 50% तक भी मैं बोलूँगी, तो हर डे डिफरेंट ट्रीटमेंट पे डिफरेंट ऑफ़र आपको मिलने वाला है। बस आपको ध्यान रखना है यूनिक का फेसबुक पेज कि आज का ऑफ़र आपके लिए क्या मिलने वाला है। क्या बात है, मतलब ये नवरात्रि आपके लिए सिर्फ शुभ नहीं बल्कि खूबसूरत भी होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। और जैसा कि आज के एपिसोड में आपने देखा है, इस नवरात्रि 9 अलग अलग ऑफर्स डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक की तरफ से आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं। तो जल्द से जल्द डॉक्टर रिचाज यूनिक क्लिनिक
में अपना रजिस्ट्रेशन कराए और इन ट्रीटमेंट्स का फायदा उठाए विथ लॉट्स ऑफ डिस्काउंट्स. मैम थैंक यू सो मच इन सारी ट्रीटमेंट्स की जानकारी के लिए और इतने प्यारे ऑफर्स देने के लिए. ऋचा जैन, मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और पिछले 22 वर्षों से कॉस्मेटोलॉजी, स्किन ट्रीटमेंट, लेजर ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, हेयर वीविंग, हेल्थ सेक्टर एवं वेट मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्यरत हूँ. मेरी यही कोशिश रही है कि हमारे यहाँ आने वाले पेशेंट को पूर्ण रूप से सेटिस्फाई एवं गुड रिजल्ट अचीव करा पाएं. हम पर विश्वास रखें और देखते रहें डॉक्टर रिचाज यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट एवरी वेनेसडे, फ्राइडे एंड संडे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी. वी ऑल केयर फॉर यू.